हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड चैनल सिंपली। आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने स्टोरेज को कैसे खाली कर सकते हैं बिना कुछ डिलीट किए गए। ठीक है, स्टोरेज भरने से आपका काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, कैसे नुकसान होता है? यदि आप किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करते तो ओपन नहीं होती है, लोडिंग लेती है, मोबाइल पर लोड पड़ता है। ठीक है, वो सब आपको कैसे झेलना पड़ता है मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए मेरे फ़ोन का स्टोरेज भरा हुआ, मैं आपको खाली करके दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, वो भी बिना कुछ डिलीट किए गाइस, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिना कुछ डिलीट किए गाइस। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपको वीडियो देख के पता चल ही जाएगा, आपको वीडियो पूरी वॉच करनी तो आपको पता चलेगा। तो आज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर देना। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आपको टाइम वेस्ट किए बिना कुछ बकवास किएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज कितना भरा हुआ है। ठीक है, देखिए सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपली अबाउट फोन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोरेज का ऑप्शन आपको देर मिल जाए, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरा फ़ोन 106 GB भर चुका है। ठीक है, 21 GB अवेलेबल है। तो गाइस मैं इसको 106 से कम बहुत GB खाली करके दिखाने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 106 GB मेरा भरा हुआ है, देखिए मैं इसे कितना कम कर दूँगा। तो आपको देखिए सिंपली देखिए 22 GB डाटा है, 360 MB की हमारी इमेज है, 183 MB की ऑडियो है, वीडियो देखिए 62 GB की हमारी वीडियो है, डॉक्यूमेंट भी कम है। ठीक है, सिस्टम में 7 GB मिलता ही है। ठीक है, दो सिस्टम हमारे दे रखा है। तो सिंपली देखिए हम बैक जाते हैं, यहाँ से कोई आपको कुछ क्लीन नहीं करना है। अब सिंपली बैक जाना, नीचे आपको देखिए ऐप्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐप्स पर क्लिक करके आपको देखिए मैनेज ऐप पर क्लिक कर देना है। तो मेरी जब पे देखिए यहाँ पे आपको कितने कितने ऐप्स को देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए कितनी MB घिरी हुआ है। ठीक है, सिंपली देखिए आज यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नीचे देखिए आज कितना भरा हुआ है। ठीक है, सिंपली आपको एक एक ऐप को आपको चेच करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपली नीचे स्टार्ट करते हैं, यहाँ बाइटी स्टूडियो है, इसको हम चेच कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको देखिए आपको जो आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, क्लियर चेच का और क्लियर ऑल डाटा का। सिंपली आपको क्लियर चेच करना है तो वहाँ 137 MB जो खाली हो जाएगा। ठीक है, एक ऐप खाली हो गया। अब नीचे यूट्यूब को खाली करते हैं, देखिए कितना भरा आया। सिंपली आपको फिर से वही करना है, स्टोरेज पे जाना है, चेच के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए चेच का ऑप्शन, आपको चेच का ऑप्शन नहीं, आपको नीचे क्लियर डाटा ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ आपको क्लियर चेच वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर चेच वाले पर क्लिक करना है आपको सिंपली। तो हमने क्लियर चेच ये खाली हो गया। ठीक है, अब बैक आते हैं फिर से, और देखिए आज यहाँ पर देखिए आप ऊपर चलेंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा आप यूज करते हैं उसी में आपको ज़्यादा MB देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे सिंपली आप जो सबसे ज़्यादा यूजबल होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज घिरा होगा उसी को हम डिलीट करेंगे। तो 4500 MB इसको हम कर देते हैं, 271 MB चेच होगा। ठीक है, इसको भी करते हैं जल्दी से हम। अब फिर से बैग चलते हैं फोन पे, सुखा देगा। पबजी की बात करते हैं, हमारे बीजे हम खेलते हैं। ठीक है, जैसे हम खाली कर देते हैं तो हमने काफ़ी कुछ खाली कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज की, अब स्टोरेज कितना खाली हुआ। सिंपली अब बैग आते हैं। ठीक है, फिर से हम देखिए हमारा कम से कम 2 GB अभी तो खाली हो चुका है। ठीक है, 2 GB काफ़ी होता है, यहाँ पर 21 GB अवेलेबल था, 2 GB यहाँ पर खाली हो चुका है। ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो होती है, आप वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो गाइस आप इस तरीके से अपने फ़ोन को चेच कर सकते हैं। मैंने कुछ ही ऐप जो थे मैंने वो क्लीन किए हैं, आप चाहें तो सारे ऐप कर सकते हैं, आपको कम से कम 5 से 6 GB का आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिना कुछ डिलीट किए अपने फ़ोन की स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहले विजिट करना चाहेंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी मेरा वीडियो आपके लिए समझ लाता रहूँगा। सो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत गाइस।